नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपको ओसीडी पार्ट टू यानी ओसीडी की आगे की जानकारी देने वाली हूँ। अब पहले भाग में हमने ओसीडी के प्रकार या फिर ओसीडी एक्चुअली क्या है इसके बारे में बताया था। इस भाग में मैं आपको ओसीडी की वजह से हमारी जिंदगी पर होने वाला असर और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। अब ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में तीव्रता के हिसाब से हमारी जिंदगी पर उसका असर होता है। कुछ लोगों में तीव्रता बहुत कम होती है यानी वो मैनेज कर सकते हैं, उनकी तकलीफ होती है लेकिन वो अपना शेड्यूल बराबर मैनेज करते हैं, भले ही वो उतना वो थॉट्स उनको तकलीफ देते हैं। लेकिन कुछ लोगों में उसकी वो विचारों की तीव्रता या उनके एक्शंस की तीव्रता इतनी होती है कि वो विचार वो रोक ही नहीं सकते और उसका उनकी रोज़मर्रा जिंदगी पर उसका बहुत गहरा असर होता है। जैसे कि ये विचारों की वजह से वो कंटिन्यूसली विचारों में बिजी रहने की वजह से उनका आजू बाजू का ही ध्यान ही नहीं होता है, वो अपने ही विचारों में अपने ही बिहेवियर्स में बिजी रहते हैं। उसकी वजह से उनका अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब रहता है, ये विचार उनके मन के विरुद्ध है। इसकी वजह से उनका चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है, उनको कुछ सोचता नहीं है, वो गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बात पे, गाली गलौज करते हैं या फिर बहुत जल्दी गुस्सा आके एग्रेसिव हो जाते हैं, एंगर एग्रेशन उनका शुरू हो जाता है। काफ़ी लोगों में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है यानी काम अगर वो करते हैं तो वो काम की जगह पे उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाते क्योंकि वो आधा वक्त अपने इन रिचुअल्स में ही लगे रहते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। वो विचार कर कर के दिमाग में वो इतना थक जाते हैं मेंटली कि उनका दिमाग नहीं चलता और उनका शरीर भी थक जाता है और इसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी के साथ विचारों की वजह से उनको नींद भी आना कम हो जाता है, स्लीपलेसनेस काफ़ी लोगों में होता है और अपने शरीर पे इसका असर तो होता ही होता है, काम पे असर होता है लेकिन फैमिली में भी इसका असर बुरा होता है। जैसे अगर स्पाउस को, हस्बैंड रहो वाइफ रहो, अगर उसको तकलीफ है तो स्पाउस को उनके बिहेवियर की वजह से तकलीफ होती है, उनको समझता ही नहीं है कि ऐसा क्यों ये बिहेव करते हैं और इसमें क्यों ऐसा टाइम बर्बाद करते हैं। बच्चों को भी नहीं समझता है कि हमारी माँ या हमारे पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं और वो भी गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं और घर में क्लेश कलह बहुत बढ़ जाता है। बच्चे भी अपने माँ बाप का अनुकरण करने लगते हैं, वो भी जैसे माँ अगर कर रही है या पिता अगर वो पर्टिकुलर थिंग कर रहे हैं तो वो बच्चे भी वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो ये रहे कुछ हमारे जिंदगी पर होने वाले परिणाम। अब ओसीडी से रिलेटेड और क्या क्या मानसिक बीमारियां हो सकती है, तो हमारे बिहेवियर की वजह से हम हमारे बिहेवियर में बिजी होने की वजह से हम सोशली बहुत विड्रॉ हो जाते हैं यानी ज़्यादा लोगों से हम मिलते नहीं हैं, बातचीत करते नहीं हैं और हमारा जाना आना बाहर बहुत कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं सोशल फोबिया यानी बाहर जाने से हम डरते ही हैं क्योंकि उनको पता होता है कि एक तो लोग हंसेंगे या फिर मैं उतना बाहर प्रोडक्टिव नहीं रहूँगा, एफिशिएंट नहीं रहूँगा, कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा, तो वो जाना टालते हैं बाहर और धीरे धीरे वो उनके मन में वो डर बैठ जाता है कि अगर मैं बाहर गया और ऐसे लोगों के सामने हुआ तो, इसलिए फिर वो बंद कर देते हैं बाहर जाना। इसी के साथ इसी से एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी यानी लोगों में बात करने का डर लगा रहता है या फिर लोगों में जाने का डर लगा रहता है और वो अकेला अकेला रहना ही पसंद करते हैं। डिप्रेशन काफ़ी लोगों में दिखता है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो विचार है ये मन के विरुद्ध होने की वजह से और न चाहते हुए भी आने की वजह से वो सब जो ये बिजी रहते हैं, जो इम्पैक्ट जिंदगी पर होता है उसकी वजह से उनको डिप्रेशन आने लगता है, उनको वो लगता है कि कोई जिंदगी में बचा ही नहीं है, सब अर्थहीन है और इसकी वजह से उनके
मन में आत्महत्या करने के विचार भी आ सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स। उसके साथ इंसोम्निया कुछ लोगों में बहुत तीव्रता से दिखता है, उनको रात रात भर नींद नहीं आती है और वो विचार कंटिन्यूस, उनका दिमाग वो विचारों में ही बिजी रहता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं वापस वही कहूँगी कि ट्रीटमेंट ये तीव्रता के हिसाब से होता है। लोगों को अगर लगे कि नहीं, मेरी जिंदगी में इसका बहुत बुरा असर हो रहा है, ये तकलीफ का, ये मानसिक बीमारी का, तो हमें ज़रूर साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। इसमें दो भाग है, एक तो मेडिकल भाग यानी मेडिसिन देना और दूसरा यानी साइकोथेरेपी। ऐसे दो भाग हमको दिखते हैं मेजरली, जिसमें मेडिसिनल जो पार्ट है वो पेशेंट की बीमारी और उसके तीव्रता के हिसाब से, उनके क्या क्या लक्षण है उसके हिसाब से जनरली दी जाती है, और दूसरा है साइकोथेरेपी यानी इंडिविजुअल काउंसिलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसमें रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, डिसेंसिटाइजेशन, ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं। इसमें हिप्नोथेरेपी भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, जिसमें हम सजेशंस दे दे के हमारे दिमाग को वैसा ट्रेनिंग देते हैं। ये था ओसीडी के बारे में थोड़ी जानकारी। अगर आपको ओसीडी के बारे में और जानना है या फिर और कुछ बात करनी है, तो हमें हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल का नंबर है 9503309619। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।